चैनल पर पहली बार तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, साइड में बेल आइकन घंटी मिल जाती है, और इस बेल आइकन घंटी पर क्लिक करके और आपको यहाँ पर हल्के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मैं हल्के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और वीडियो को नहीं लाइक करते तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो पर आपको बताएंगे अपने डायलर कॉन्टैक्ट और कलर स्क्रीन पर फोटो कैसे लगा सकते हो। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा अपने डायलर पर कॉन्टैक्ट पर कलर स्क्रीन पर फोटो कैसे लगा सकते हो। जो कि यहाँ पर ये गर्ल का इमेज लगा चाहता, तो यहाँ पर मैं अपना खुद का इमेज लगा लेता। अगर आप भी अपने मोबाइल पर लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो। तो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा बिल्कुल यार, ये जो देख रहे हो यार, ये मेरा एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है यार। इस कॉन्टैक्ट लिस्ट के बैकग्राउंड पर फोटो जो कि सेट है गर्ल का, यहाँ पर आप चाहो तो जो भी इमेज लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। और उसके साथ में फ्रेंड बात कर जाएगा, कोई भी बंदा कॉल करेगा तो आपका यार आपका फोटो शो करेगा। तो करना क्या होगा, सिंपली फ्रेंड सबसे पहले करना ये होगा कि यार जो लोग यार चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड, ये मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल अमित जोशी जी, और मेरे चैनल पर बहुत लोग जुड़ रहे हैं और आप भी जुड़ सकते हो यार। आपसे कोई चार्ज या कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा। जो लोग यार चैनल पर पहली बार हो प्लीज इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यार, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते ही साइड में बेल आइकन घंटी मिलेगी, और इस बेल आइकन घंटी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर हल्के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं हल्के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ। और वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नीचे यहाँ पर कमेंट में यार एक बार कमेंट करिए, जो बताना कि मेरे वीडियो आपके लिए कैसा है। यहाँ पर मस्त वीडियो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नहीं हो रहा है भाई, फोटो नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर हिंदी मूवी परमिशन को, यानी कि आप भी एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई ये वीडियो आपके लिए कैसा है। तो आप भी इसी तरह अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट और डायलर या कलर स्क्रीन पर फोटो लगा सकते हो। तो आइए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना होगा, सारी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड अपने प्ले स्टोर को ओपन करना होगा, और यहाँ पर माई फोटो फोन डायलर फोन डायलर कॉन्टैक्ट दोस्त, आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा सर्च करके प्ले स्टोर से। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ ओपन लिया। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको गो टू सेटिंग पर इस पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कस्टम स्टाइल पे क्लिक करना, और सीधा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि हरी वाले बटन पे क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पर रेड वाले पे, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पर टाइप करना होगा। तो जैसे यहाँ पर डबल टाइप भी कर देते हैं, डबल टाइप करते ही यहाँ पर कुछ इस तरह का, और यहाँ पर इस पर भी क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर परमिशन देनी होगी, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको सारी परमिशन को अलाउ कर देनी होगी, जो कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारी परमिशन को मैं अलाउ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप कॉल फोन, यहाँ पर कॉल फोन कर देना होगा सेट ए डिफॉल्ट, तो इस पर क्लिक करते फ्रेंड यहाँ पर आपको फोन स्टेट, तो यहाँ पर आपको इसको भी अनेबल करना है। अनेबल करते यहाँ पर बैक आ जाना, यहाँ पर डाटा को मैं कर देता हूँ ऑफ, अभी ऐड आने वाला है फ्रेंड, यहाँ पर मैं डाटा को ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो, यहाँ पर आपको डायलर और कलर स्क्रीन दो की यहाँ पर दो ही मिल रहा है, और यहाँ पर डायलर पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पर डायलर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर कस्टम बैकग्राउंड हेयर दोस्तों, यहाँ पर आपको कस्टम पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करोगे, यहाँ पर बैकग्राउंड मिलेगी, बैकग्राउंड पर करते यहाँ पर पिक इमेज मिलेगी, तो पिक इमेज पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर से आपको जो भी इमेज लेना हो आप ले लीजिएगा। तो चलो मान लो, चलो यहाँ पर से मैं यही वाला इमेज ले लेता हूँ, नहीं तो मैं दूसरा इमेज ले लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे फ्रेंड की वही इमेज लिए हैं। तो यहाँ पर से मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, देख सकते हो मैं इस वाली इमेज को ले लेता हूं, और लेने के बाद मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं। अप्लाई करते फ्रेंड यहां पर मेरा अप्लाई सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि यहां पर ये देख सकते हो यार डायलर पर फोटो लग चुका है। अब यहां पर मैं बैक आ जाता हूं, और मैं आपको यहां पर कलर स्क्रीन पर भी बता देता हूँ। तो अगर कलर फ्रेंड कलर स्क्रीन पर फोटो लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर फिर से आपको कस्टम इस पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे, जो कि यहाँ पर एक थीम्स के नीचे ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करते यहाँ पर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन सबसे ऊपर मिल जाएगा, और पिक इमेज पे क्लिक करते आपको फिर से अप्लाई कर, जो भी इमेज लेना चाहते हो आप लेके यहाँ पर फिर अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करते ही आपका इमेज सेट हो जाएगा, और ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि अब यहाँ पर फ्रेंड मैं इसको एक बार कट करके आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कि आपको समझ पे आ जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो यार, ये मेरा ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी फोटो लग गया, और डायलर पर फोन फोटो लग गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड, ये डायलर पे फोटो लग गया। तो इसी तरह आप भी अपने मोबाइल के डायलर कॉन्टैक्ट और कलर स्क्रीन पर फोटो लगा सकते हो। और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर सबसे पहले आपको मिले।